अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब जो है मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ और कॉलेज से आते हुए मैं अपने लिए बिरयानी ले आई, अपने लिए नहीं बल्कि इनाया के लिए। वो काफ़ी टाइम से मुझे बिरयानी लाने का कह रही थी तो मैं अक्सर भूल जाती थी, तो फाइनली आज मैं बिरयानी ले आई हूँ इनाया के लिए। और मैं अपने लिए चाय लेके बैठी हूँ क्योंकि कॉलेज जाते हुए जो है मैं चाय पी कर नहीं गई थी, मैं बस जल्दी में चली गई थी। तो अब जो है यहाँ इनाया जो है तारक मेहता देख रही है। तारक मेहता जो है हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब सभी शौक से देखते हैं। नई एपिसोड्स नहीं, पुरानी एपिसोड्स ही वापस हम देखते रहते हैं रिपीट में। तो इनाया जो है वही देख रही है और जो है इस वक्त खाना खा चुकी थी मैं, और अब मैं यहाँ जो है अपनी अम्मी को कर रही हूँ फेशियल। तो हमने सोचा मैं आप सभी के साथ भी शेयर करूँ कि मेरे पास कौन से फेशियल किट है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये तकरीबन जो है पांच चीज़ें होती हैं इसमें, एक होता है ब्लीच और एक होता है क्लिंजर, मसाजर, स्क्रब और एक मास्क होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, इन सबको स्टेप बाय स्टेप लगाना होता है और जो है इन बाकी जो है ना ये क्लिंजर वगैरह इन सब से जो है मसाज करना होता है तकरीबन 10 से 15 मिनट का। तो मसाज के भी कुछ स्टेप होते हैं जो वो मतलब आपको फेस पे करने होते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है और काफ़ी अच्छा भी है ये फेशियल। बेबी मैं भी खाऊं, मैं भी खा लूं थोड़ा सा नूडल। बेबी मैं भी खाऊं नूडल, थोड़ा सा खा लूं। अभी तो मुझे नहीं दे रही थी। हाँ मैं इसमें से लूंगी इतना। हाँ भूखी बोला मुझे। आप ही को नहीं दे रही? नहीं नहीं मैं खुद इतना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। बेबी तुम अभी तो मुझे दो ना, तुम नवाल वाले से खाऊं? नवाल वाले से नहीं। और इसके बाद जो है हमारे घर आ चुके थे मेहमान, तो हमने यहाँ बनाए थे मतलब ये नूडल है जो हो जिसे ना हम थोड़ा मीठा मीठा बनाते हैं। इसमें चीनी होती है और कुछ भी नहीं होता, और इसमें जो है ना प्याज होते हैं फ्राई किए हुए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है और बहुत ही टेस्टी। तो हमने ये स्पेशली बनाया था उनके लिए। ये फालूदे में भी डालते हैं और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। तो हमने जो है ये बनाया है, मीठा थोड़ा होता है और मतलब जो है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी। तो आप भी ये ज़रूर बनाना। इसकी रेसिपी मैंने आप सभी के साथ शेयर की है मगर जो है अब तक वो मैंने एडिट नहीं की है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस मैं आजकल मैं डिले कर रही थी उसे। तो इंशाल्लाह आज मैं सभी जो है रेसिपीज़ भी एडिट करूँगी और उन्हें भी अपलोड करूँगी। आप सबसे फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।